जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 जहां सिनेमा में धमाके कर रही है, वहीं इंडिया की ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो इस मूवी के ओटीटी रिलीज का वेट कर रही है और वो ये जानना चाहती है कि आखिर इस मूवी को कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन से लैंग्वेजेस में ये देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जब ये सब सोचा जा रहा है ऐसे टाइम पर एक ऐसा आर्टिकल निकल के आया है एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी की तरफ से, जहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया उन्होंने कि केजीएफ चैप्टर 2 का ओटीटी रिलीज कब होने वाला है और कौन से प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 जो है वो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, जहां पे हिंदी डब्ड वर्जन में भी देख सकते हैं। और शुरू से ही दोस्तों सबने ये तय कर लिया है कि अमेज़न प्राइम पर ही इसके चैप्टर 2 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन रिसेंटली कुछ न्यूज निकल कर आई थी जिसमें ये बोला गया था कि चैप्टर 2 जो केजीएफ का है उसके हिंदी डब्ड वर्जन को तो अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन Z5 जो है वो इसके साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस के वर्जन हैं उनके लिए बिड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज इससे रिलेटेड निकल कर नहीं आई थी। वहीं एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी ने दोस्तों 2 दिन पहले एक आर्टिकल में क्लियरली स्टेट कर दिया कि इसका जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम होने वाला है। और उन्होंने बकायदा अपने आर्टिकल में, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये तक बोल दिया कि इसकी डेट जो है वो लॉक हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है और इसे रखा गया है May 27th। तो काफी सारे लोगों ने मेरे पास इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कमेंट करना चालू कर दिया कि क्या ये न्यूज सही है और क्या इस मूवी का इतनी जल्दी ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज एजेंसी है ये काफी बड़ी न्यूज एजेंसी है, इनका अपना एक चैनल भी है। तो दोस्तों, इनकी न्यूज को कॉन्क्रीट माना जाना चाहिए या नहीं, इसी को लेकर काफी ज्यादा जो है यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा है। मेरी नजर में दोस्तों, मैंने इनकी न्यूज के बाद अमेज़न प्राइम को ट्वीट करके जानने की कोशिश की, लेकिन अमेज़न प्राइम ने इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। और दोस्तों, अगर सिंपली देखा जाए तो 14 अप्रैल को जो मूवी सिनेमाज में रिलीज होने जा रही है, क्या वो सिर्फ 45 डेज के बाद, और जो 1000 करोड़ को टच करने का प्रॉमिस कर रही है मूवी, क्या वो सिर्फ 45 डेज के बाद ओटीटी पर आ सकती है, जब दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि RRR का भी अभी तक रिलीज जो है वो ओटीटी का फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे टाइम पर दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा इस न्यूज में कोई भी सच्चाई है। अब बात करते हैं कि इसका आखिर ओटीटी रिलीज कब होने जा रहा है। दोस्तों, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 75 डेज का है, और अगर ये मूवी सिनेमा में अच्छा रन करती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर 90 डेज का भी किया जा सकता है। यानी कि ये मूवी जहां 14 अप्रैल को सिनेमाज में रिलीज हुई थी, कोई चांस नहीं है दोस्तों कि जून एंड या जुलाई से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाए। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि 27 मई को ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। आप अगर इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एंड ऑफ जून या जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। ये थी मेरी अपडेट और क्लैरिफिकेशन। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।